हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे 2 मिनट ब्यूटी टिप्स वीडियो सीरीज में। पैरों में अक्सर धूल और सन टैनिंग जैसे काला पड़ जाता है। आपने कई बार देखा होगा हमारे पैरों में चप्पलों के निशाने पड़ जाते हैं, कई बार स्लीपर्स के निशान पड़ जाते हैं, जहाँ पे हमारे चप्पलों के स्टेप होते हैं वो हिस्सा पूरा व्हाइट रहता है, अदरवाइज पूरा पैर हमारा ब्लैक हो जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को प्लीज बीच में ना छोड़ें। मैं आपको ये भी बताऊंगी वीडियो में आगे कि आप अपने हाथों की टैनिंग को कैसे रिमूव कर सकते हैं। वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, हो सकता है आप वीडियो स्किप करके देखें तो आपका कोई ना कोई स्टेप बीच में छूट जाए, जिससे क्या होगा आपको इस रेमेडी का 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें। और आज मैं आपको यह भी बताऊंगी आप अपने एल्बो के डार्क सर्कल कैसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, टमाटर को इस तरह से टैप करें ताकि टमाटर नरम हो जाए। अब फिर इसको ऊपर से ऐसे कट कर लीजिए। अब इसके अंदर से होल कर देंगे, ये होल हो गया है। अब टमाटर का रस निकाल देंगे सारे इसमें। अब एक नींबू लें, इसको बीच में से कट कर लीजिए। नींबू कट कर लिया है, अब इसको निचोड़ लेंगे इस टमाटर जूस बॉल में। हमें पूरा एक नींबू निचोड़ना है, पूरा हाफ में पूरा एक 1 लेमन लेना और पूरा इसको निचोड़ना है अच्छे से। अब इसमें पूरा एक पैकेट हम इनो का डाल देंगे। अब देखिए फ्रेंड, इसके बबल्स खत्म हो गए हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच ये चावल राइस का आटा मिला लेंगे, चावल का आटा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने पेस्ट बनाया था इसको पैर पे अप्लाई कर लूंगी। ये देखिए, अब देखिए मैंने जो लेमन निचोड़ा था, अब हम इसकी मदद से अपने पैर की मसाज करेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे लेके। तो फ्रेंड्स, यही प्रोसीजर आपको सेम अपने एल्बो पे करना है, जो एल्बो पे माय डार्क सर्कल होते हैं, और सेम प्रोसीजर आपको अपने हाथों पे करना है। अब हम इसको प्लेन वाटर से वॉश कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पैरों में फर्क दिख रहा होगा आपको, ये देखिए। देखिए इसमें टैनिंग हो रही है पैर, ये देखिए कितना क्लीन पैर लग रहा है मेरा देखने में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टिक टिक बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें।